अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की रेसिपी है वनीला कपकेक्स विदाउट बटर। इट्स सो सिंपल एंड कॉमन रेसिपी, बट समटाइम्स ऐसी सिंपल और इजी रेसिपीज ही आपको काफ़ी परेशान कर देती हैं। एंड अनदर गुड थिंग इज़ दैट वी आर मेकिंग इट विदाउट बटर, जो बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि आप प्लीज़ ऑयल के साथ कपकेक्स बनाना बताएं। दिस रेसिपी मेक्स 18 कपकेक्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू अरेंज कपकेक लाइनर्स ऑन देयर प्लेसेस। दीज आर लार्ज साइज़ कपकेक लाइनर्स। जैसे कि मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि आप कौन से साइज़ के लाइनर्स यूज़ करती हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट साइज़ इन सेंटीमीटर, बट इट्स रिटन लार्ज साइज ऑन द बॉक्स। सो मूविंग टूवर्ड्स आवर रेसिपी, सबसे पहले हम सिफ्ट कर लेंगे अपने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स, जिसमें है 1.5 कप्स ऑफ ऑल पर्पज़ फ्लावर, 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा एंड 1/4 टी स्पून ऑफ सॉल्ट। ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से सिफ्ट करें, मिक्स करें और एक साइड पर कर दें। साथ ही दूसरे बोल में हम ले लेंगे 1 कप कैस्टर शुगर। प्लीज़ नोट कर लें कि ये नॉर्मल ग्रैन्यूलेटेड शुगर नहीं है जो हम घर पे यूज़ करते हैं, ये बारीक चीनी है जो कैस्टर शुगर के नाम से आती है। साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल एंड 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ओवन को भी हम 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द बैटर। शुगर, ऑयल और वनीला एसेंस को हम अच्छी तरह से मीडियम टू हाई स्पीड पे 1-2 मिनट्स के लिए बीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें एग्स ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज रूम टेम्परेचर एग्स। एग्स ऐड करने के बाद भी हम इसे मीडियम टू हाई स्पीड पे 3-4 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। एग्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप रूम टेम्परेचर मिल्क। मिल्क को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। एकदम से सारे ऐड नहीं करेंगे, 2-3 बैचेस में ऐड करें और बिल्कुल बीटर की लो स्पीड पर आपने मिक्स करना है। वीडियो की स्पीड को मैंने बढ़ा दिया था, इसलिए लग रहा है कि शायद मैं बहुत ही हाई स्पीड पे मिक्स कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। वी ऑलवेज मिक्स ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऑन स्लोएस्ट स्पीड ऑफ द बीटर, ताकि ओवर मिक्सिंग भी ना हो एंड एट द सेम टाइम बैटर बहुत अच्छी तरह से वेल कम्बाइंड फॉर्म में आ जाए। सो हियर वी आर डन विद आवर वनीला कपकेक्स बैटर। यू कैन सी द कंसिस्टेंसी। नाउ आई एम गोइंग टू पोर 1 मीडियम साइज स्कूप फुल ऑफ बैटर इन ईच कैविटी। प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आपके लाइनर्स का जो भी साइज़ है वो हाफ से ज़्यादा फिल ना हो। फ्यू टाइम्स टैप करें ताकि एयर बबल्स रिमूव हो जाएं। फिर हम इसे बेक कर लेंगे प्री हीटेड ओवन में एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 20-25 मिनट्स। डिपेंडिंग अपॉन योर ओवन इट कैन टेक मोर और लेस, बट हमेशा टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर लें। अगर वो क्लीन हो तो उसका मतलब है आपके केक या कपकेक्स परफेक्टली रेडी हैं। सो माई कपकेक्स आर रेडी आफ्टर एग्जैक्ट 25 मिनट्स। ट्रे से निकाल के इसे कूलिंग रैक पे रखें ताकि ये रूम टेम्परेचर तक कम्प्लीटली कूल डाउन हो जाएं। और अगर आपके कपकेक ज़्यादा राइस करते हैं और पैन के साथ स्टिक कर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसे पैन से रिमूव कर रही हूँ। आफ्टर ट्राइंग फ्यू रेसिपीज आई फाउंड दिस सिंपली द बेस्ट। द कपकेक्स केम आउट सुपर सॉफ्ट एंड सिंपली डिलीशियस। सो इफ़ यू फाउंड दिस रेसिपी हेल्पफुल, देन डोंट फॉरगेट टू गिव बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।